आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में बनेगी कमेटी। कमेटी में एनआईए के आईजी और अधिकारी होंगे शामिल। बीजेपी विधायक राधाकृष्ण शर्मा ने ज्वाइन की सपा। अखिलेश यादव ने पार्टी में करवाई ज्वाइनिंग। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल होंगे कद्दावर नेता इमरान मसूद। सुप्रीम कोर्ट पर छाया कोरोना का कहर। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 1,79,723 नए केस आए सामने। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर बुलंदशहर से है, जहां एक एशियन चैंपियनशिप टर्की के पावर लिफ्टिंग ने सिल्वर मेडल जीतने पर मनीषा शर्मा को एनसीआर अध्यक्ष ने इसियाना में सम्मानित किया। और साथ ही भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने मनीषा शर्मा को किसान रथ पर सम्मानित किया। दरअसल मनीषा शर्मा सिल्वर मेडल जीतकर वापस बुलंदशहर आई हैं, जिसे आज भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर अध्यक्ष ने सियाना कस्बे में बुलाकर किसान रथ पर सिल्वर मेडल गले मिटाल का स्वागत किया है। एनसीआर महासचिव मांगेराम त्यागी ने मनीषा को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कपिश त्यागी, मनीषा की कोच पारुल त्यागी और मनोज सिरोही भी मौजूद रहे। मनीषा शर्मा हैं, हमारे जनपद से हैं, गांव मंडौना। इन्होंने पूरे हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। ये टर्की से, जो यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर है देश, वहाँ से ये सिल्वर मेडल जीत के लाई हैं पावर लिफ्टिंग में। इन्होंने हमारे साथ साथ, बरादरी के साथ साथ, गांव, जनपद और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का नाम जो है दुनिया में रोशन किया। महुआ में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष दिलाशा सौरभ तिवारी ने अपने 4 साल के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा पत्रकारों के सामने पेश किया, जहां उन्होंने कहा कि साल 2017 के पहले शहर की सड़कों और दार्शनिक स्थलों का क्या हाल था और कैसी दिख रही है, ये बात शहरवासियों से छुपी नहीं है। योगी और मोदी की सरकारों में जनपद में ही नहीं, समूचे प्रदेश में अद्वितीय विकास कार्य किए गए हैं। कीरत सागर और मदन सागर में नौकाएं डलवाई गई हैं, उन्हें पिकनिक स्पॉट बनाया गया है, साथ ही विकसित भी किया गया है। ये तमाम जानकारियां दी गई। आप सभी को मालूम है कि हमारे पिछले 4 सालों में हमने माननीय योगी जी की जो योजना थी, तो सबसे पहले हम स्वच्छ भारत की तरफ चलते हैं, तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जो कि हमारे योगी जी का और माननीय मोदी जी का ही सपना था कि हमारा, जब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम विकास में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने सबसे पहले स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाया और हमारे महुआ में लगभग 25 शौचालय बनकर। खबर बलरामपुर से है, जहां तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में पूर्व सांसद और पूर्वांचल के बाहुबली नेता रिजवान जहीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही रिजवान जहीर की बेटी और दामाद की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोप है कि रिजवान जहीर ने अपने ही 2 करीबी शूटरों से फिरोज पप्पू की हत्या करवाई थी। पुलिस ने हत्या आरोपी रिजवान जहीर, जेबर रिजवान सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रिजवान जहीर गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले भी यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान रिजवान पर योगी सरकार ने रासुका यानी NSA के तहत कार्रवाई की थी। तब रिजवान जहीर को पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा भड़का और आगजनी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
बुलंदशहर में मशहूर हेयर डिजाइनर जावेद हबीब का हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर प्रदर्शन किया है। महिला के सिर पर थूके जाने से नाराज हिंदू रक्षा दल ने सरकार से जावेद हबीब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई ना होने पर जावेद हबीब के सैलूनों को चलाने का ऐलान भी किया गया है। तो जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिस तरह से जावेद हबीब पर गुस्सा निकाला जा रहा है, उनका पुतला फूंका गया है और महिला के साथ जो बदसलूकी की गई है उसको लेकर आक्रोशित नजर आ रहा है ये संगठन। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि लगातार कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही है जावेद हबीब नामक एक व्यक्ति जो हिंदू महिलाओं के जहाँ पर मांग भरी जाती है, जहाँ पर पति के लिए लंबी उम्र के लिए मांग भरते हैं, उस जगह पर थूकते हुए की कई सारी वीडियो उसकी वायरल हुई हैं। ये जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। एक जिहाद चलाए भी रोटियों पे थूक लगाते हैं, वो चलो हम ठीक है, हम बोलते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बाद भी ये बहन बेटियों के मांग में थूक रहा है, इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को। खबर रायबरेली से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्ध दंपत्ति राम भवन की मौत हो गई है। वृद्ध दंपत्ति खाना खाने के बाद अपनी पत्नी रामपति के साथ चारपाई पर सोने गया था, लेकिन सुबह उसी चारपाई से दोनों मृत अवस्था में मिले। मृतक की लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर चाय की दुकान थी। वो दोनों गांव से बाहर एक कमरे में रहते थे। सुबह जब उनके बेटे ने कमरे में जाकर देखा तो दोनों मृत अवस्था में मिले, जिससे परिवारजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अरखा गांव की बताई जा रही है। वहीं अब खबर आगरा से है, जहां खुर्जा से आई युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने एक काम के बहाने नामचीन होटल में युवती को बुलाकर दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती को चलती कार से सड़क पर फेंक दिया गया। वहीं पीड़िता ने पुलिस को वारदात की सूचना दी, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर आरोपियों की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक महिला का युवक को चप्पलों से पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बातचीत के दौरान दोनों कुछ लेन देन की बात करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ दूरी पर खड़े युवक ने भी महिला से मारपीट करने वाले युवक को जमकर पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो वहां मौजूद किसी युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पहला मुकदमा निघासन में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सपा नेता आरएस कुशवाहा निघासन में बूथ सम्मेलन कर रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसके बाद निघासन थाने में कोविड के तहत 288,269 एवं धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। आज एक राजनीतिक दल के द्वारा कुछ लोगों को एकत्रित करके जनसभा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसपे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा वहां एकत्रित लोगों को घर भेज दिया गया एवं कार्यक्रम के आयोजकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं। औरैया में मामूली कहासुनी पर साथी ने अपने ही साथी पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसमें सतीश ने संदीप पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला करते देख वहां मौजूद लोगों ने संदीप को बचाया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवक एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए सैफई रेफर कर दिया गया। ये घटना औरैया सदर कोतवाली के शाला के पास की है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया है और उसके पास से चाकू भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेशी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।